नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। स्पेशल डे की शुरुआत करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट प्रेमी करोड़ों की संख्या में है। भारतीय क्रिकेट टीम ने कई बार देश का नाम खेल जगत में ऊंचा किया है और कई बार ऐतिहासिक जीत भी हासिल की है। कुछ साल पहले एक नाम जो कि बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लगातार लिया जाता रहा है, वो है अनिल कुंबले का। अपने ज़माने में उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को कभी निराश नहीं किया और आज ही के दिन उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बाद उनका नाम क्रिकेट जगत में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वो क्या, जानिए इस खास रिपोर्ट में। क्रिकेट जगत का वो नाम जिसे भुलाया नहीं जा सकता, पूर्व लेग स्पिनर के वो 10 विकेट जब चटाई थी पाकिस्तान की टीम को धूल, बस 37 रन में सिमट गया सब। जब काम आया तेंदुलकर का टोटका, वैसे तो हर दिन खास होता है लेकिन 7 फरवरी का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में बेहद खास है। इसी दिन 1999 में भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का कमाल किया था। जिम लेकर के बाद अनिल कुंबले एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने थे। इस मैच में अनिल कुंबले ने 74 रन देकर 10 विकेट लिए थे। हालांकि सभी विकेट 8.2 ओवर में 37 रन के अंतराल में गिर गए थे, यानी 37 रन और सब खत्म। भारत के लिए ये जीत बेहद खास बनी थी। टीम इंडिया की 23 टेस्ट में ये पाकिस्तान पर पहली जीत थी। इससे पहले पाकिस्तान पर उसने 1989 और 80 में आखिरी टेस्ट जीत दर्ज की थी। बता दें कि भारत ने दिल्ली टेस्ट में पहले बल्लेबाजी की और उसकी पहली पारी 252 रन पर सिमटी। जवाब में पाकिस्तान को पहली पारी में भारत ने केवल 172 रन पर समेट दिया। इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत को 80 रन की बढ़त मिल गई। टीम इंडिया की दूसरी पारी 339 रन पर ऑल आउट हुई और पाकिस्तान को 402 रन का लक्ष्य मिला। पाकिस्तान की ठोस शुरुआत के बाद अनिल कुंबले का जलवा शुरू हो गया। उन्होंने सबसे पहले शाहिद अफरीदी को अपना शिकार बनाया और फिर जल्दी जल्दी एजाज अहमद, इंजमाम उल हक, माइकल खान और यूसुफ युहाना का शिकार किया। कुंबले ने भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी चायकाल तक। मुश्ताक और सकलेन को कुंबले ने लगातार 2 गेंदों में आउट किया। 24 ओवर हो गए थे, भारत को कोई विकेट नहीं मिला था। 25वें ओवर में कुंबले ने शाहिद अफरीदी और एजाज अहमद को आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर ये सब देख रहे थे, तभी अचानक अंधविश्वास जागा कि उनके स्वेटर और टोपी लेने से कुंबले को विकेट मिला। सचिन तेंदुलकर ने उस पल इसे ही अपनी सफलता का मंत्र बना लिया और कुंबले के ओवर के दौरान उनका स्वेटर टोपी लेकर अंपायर को सौंपने का काम किया। इसका जोरदार असर देखने को मिला और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर इतिहास रचा गया। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया स्पेशल डेस्क।